बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आप सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को और बीमारियों को दूर फरमाएं और आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाएं। आमीन। आज की इस वीडियो में कैसी आयत का एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बाबरकत अमल आपके साथ शेयर करूंगी। ये ऐसी आयत मुबारका है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हबी मदद हासिल होती है। एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसी आयत है जो मुफलसी, तंगदस्ती, गुरबत और फिक्र फाका में मुबतला अफराद के लिए 100% कामयाब वजीफ़ा है। नौकरी में तरक्की, कारोबार में वसत, बेरोजगारी से निजात, रिस्क में फराही के लिए बहुत से कामलीन और बुजुर्गान दीन ने इस आयत मुबारका के बहुत ही ज्यादा करिश्मात, फवायद और कमलात जिक्र किए। अगर किसी पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो किसी भी किस्म के कर्ज को उतारने के लिए ये वजीफा, ये आयत बहुत ही लाजवाब है। अगर रिस्क में तंगी है, घर में गुरबत है, बेबरकती और मोहताजी है, तो जिस जगह से वेमो गुमान हो वहाँ से अल्लाह पाक रोजी अता फरमाते हैं, गैब से अपने खजानों के दरवाजे खोल देते हैं। दुनिया में तो खुद तमाम मसले, तमाम मामला, तमाम परेशानियों से, तकलीफों से निजात मिलती है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी नसीब होती है। इस आयत मुबारका को पढ़ने से मौत के वक्त आसानी होती है, ईमान पर हातमा होते हैं, जन्नत नसीब होती है। इस आयत को आप किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए, परेशानी से निजात के लिए या किसी भी नामुमकिन से नामुमकिन मसले के हल के लिए पढ़ सकते हैं। इस आयत मुबारक के हवाले से हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशबा मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग मेज इस आयत पर अमल करें तो उनके हक में वही एक आयत काफी है। इस आयत की बरकत से रोजी गैब से मिलती है, गैब से रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, हर मसला खुद बहुत अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा मौजज़ाती आयत है। अगर इस आयत को आप मजबूती से पकड़ लें और इसी का विर्द अपनी जुबान पर रखें तो इंशाल्लाह आपको कोई और वजीफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह पाक का हर मामले में साथ नसीब होगा, अल्लाह की अभी मदद नसीब होगी, रिस्क को वसी करने के लिए, तंगदस्ती को दूर करने के लिए बहुत ही लाजवाब वजीफा है, आसानी से रिस्क मिलता है। इस आयत को पढ़ने वाले पर फुतवात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जो शख्स इस आयत को पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारे तो बेहिसाब माल दौलत मिलती है जो कि गुमान से भी बालातर है। आयत मुबारक कौन सी है? ये आयत आपको अभी स्क्रीन पर नजर आएगी। وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। तर्जुमा, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रोजी देगा जहाँ से उसका गुमान हो। यानी ए अल्लाह अपना खौफ मेरे दिल में पैदा कर दे, मेरे लिए निजात की राह पैदा कर दे और मुझे वहाँ से रोजी अता कर जहाँ से मेरा गुमान हो। आपने रोजाना किसी भी वक्त सिर्फ 3 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़कर आसमान की तरफ फूंक देना है। अवला 3 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े। अल्लाह पाक से अपने हर मकसद के लिए, हर हाजत के लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ दुआ को, हर हाजत को कबूल फरमाएंगे, आपके हर मामले में आसानी फरमाएंगे। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, इंशाल्लाह बिन मांगे ही आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान कर देंगे। तो आप इस आयत मुबारका को जो है लाजमी पढ़ें, जो कि छोटी और मुख्तसर सी आयत है, इसको आप याद कर लें। घर से बाहर निकलने से पहले सिर्फ 3 मरतबा इसको पढ़ कर जाएँ, इंशाल्लाह हर मकसद में आपको ज़रूर कामयाबी और कमरानी नसीब होगी। तो आप इस अमल को ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आपने मेरे चैनल फातिमा इस्लामी अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मज़ीद अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो साथ ही लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। जज़ाकअल्लाह।